चलो सेफ में रख मार दूं। तो मरने वाली है। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। तो जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम भूत के भूत उतारेंगे, तो हाँ आज हमारी भूत से मुठभेड़ होने वाली है और साथ ही ये मैच बहुत ही जल्द सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाएगा और वो देख के आपको बहुत मजा आएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं उड़न खटोला महल में और यहाँ उतरते ही मुझे कार 98 मिलती है जिससे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और उसके बाद ये सीन होता है। अब बाहर से एक बंदा टोक टोक वाली गन यानी कि हम 16 चला रहा था तो उसको लग रहा था कि यार बहुत सस्ती गन है ये, अंदर नहीं जाते। तो भैया वो अंदर नहीं आता पर उसको ये नहीं पता कि यार मेरे पास उससे और ही ज्यादा सस्ती गन है। तो यार देखो यहाँ पे तो मैं बच जाता हूँ पर फिर ये सीन होता है। अरे कंपनी का कॉल आ गया, पूरा नेट चला गया। जब मैं आया तो देखा कि अंदर एम4 पड़ी है। घर बैठे अनचाही गर्लफ्रेंड से छुटकारा पाएं उसका नंबर मुझे बताएं। तो यार यहाँ पे मेरे टीममेट की पेटी बन जाती है। उसके बाद भैया ये इतना खतरनाक बहाना बताते हैं और वो भी इतने सुर ताल से कि भैया बहाने को भी सच माननी पड़ता है यार। तो यार अब मैं बचा हूँ अकेला और भैया संगठन में शक्ति है, अकेले में मेरी भी भर्ती है। तो यार अब भूत को मारना था लेकिन भैया जब तक ये उड़ेगा नहीं तब तक भूत का दरवाजा खुलेगा नहीं। तो मैं बंदों को मारने मिल्टा जाता हूँ क्योंकि कुछ बंदे मिल्टा की तरफ भागे थे। तो देखो यार अब क्या होता है। अब ये तो एक बोट दादा होते हैं पर तभी मुझे एक बंदा दिखता है। रिकॉर्ड वहीं पे सामने सामने ब्रोकन पे। अब एक बंदे को नॉक कर देता हूं, दूसरा काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था तो देखो यार उसको कैसे निपटाते हैं। अरे बढ़िया। तो यार इन दोनों की तो मैं पेटी बना देता हूँ लेकिन इसके टीममेट भैया यहाँ पे दिखते नहीं है तो मैं फटाक से वापस हवा महल में जाता हूँ और यहाँ आते ही एक बंदा दिखता है। जो कि एक बूढ़े दादा होते हैं। अब देखो भैया हवा महल उड़ चुका है तो यार अब दरवाजा खुलने वाला है। अब देखो दरवाजा जैसे ही खुलता है तो मैं अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो भी चीज करने वाला हूँ वो पहली बार करने वाला हूँ। तो भैया सीन ये होता है यहाँ पे गैस कैन रखे होते हैं तो मैं सोचता हूँ भैया गैस कैन से शायद भूत को डैमेज होगा तो मैं गैस कैन यहाँ पे सजा देता हूँ और उसके बाद भैया बटन को दबाता हूँ और भूत को बुलाता हूँ और देखो यार अब क्या होगा। यहाँ पे जब मैं इसको मार रहा था तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था कि भैया सांप का चक्कर मौत से टक्कर भी हो सकता है लेकिन यार फिर ध्यान आ जाता है कि भैया सांप डैमेज दे रहा है तो अब सांप से ही बचना है।
यार यहाँ पे जब भी मैं भूत को मार रहा हूँ तो भैया भूत एक सेकंड बाद वहीं पे कांटा फेंक रहा है, इसीलिए भैया भूत को मारते टाइम हिलते डुलते रहो ताकि यार वो एक जगह पे कांटा फेंके तो भैया आपको लगे ना। तभी तो और इस पीली लाइट से एनर्जी मिलती है, तो भैया मैं पीली लाइट के पास जाता हूँ, एनर्जी बढ़ाता हूँ और देखो अब कैसे निपटाते हैं भूत को। Excellent work. तो भूत को बना दिया हमने संदूक और संदूक से चाहिए हमें एक बंदूक। अब देखो यार यहाँ पे भैया AWM और ग्रोजा सबको साथ में मिलती है, लेकिन यहाँ पे मुझे AWM ही बस मिलती है क्योंकि भैया अपन हाउसफुल के अक्षय कुमार से ज्यादा पनौती हैं। तो मैं AWM उठाता हूँ और भैया गाजर घास लपेटता हूँ और फिर थोड़ी देर हवा का अनुभव लेते हुए भैया नीचे कूद जाता हूँ क्योंकि नीचे मुझे एक गाड़ी दिखती है। अब देखो गाड़ी से मैं बंदों को ढूंढने जाता हूँ और शकुल की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ आते ही ये सीन होता है। तो पीछे से मुझे गोलियां चलने की आवाज आती है तो मैं गाड़ी घुमाता हूँ और देखो यार क्या होगा। यूं मत खींच तू मुझे अपनी तरफ ऐ मेरे सनम, ब्रांडेड टी शर्ट है, अगर फट गई तो बहुत पिटेगी माँ कसम। तो यार देखो ये बंदा यहाँ पे अकेले गोली तो चला नहीं रहा होगा, भैया कोई ना कोई और होगा यहाँ पे। तो ये सोच के मैं यहाँ आता हूँ और आते ही मुझे दो बंदे दिख जाते हैं तो मैं फ्लैंक करता हूँ, फ्लैंक करके इस पत्थर के पास गाड़ी लगाता हूँ और देखो यार अब क्या होगा। अब एक बंदे को पकड़ लिए, बाकी के तीन बचे हैं। लेकिन यार सीन ये होता कि ये भैया दो ही होते हैं। अब देखो यार यहाँ तक तो ये मैच नॉर्मल था, लेकिन अब सीन जो होने वाले हैं वो भैया काल्पनिक घटना में आधारित होने वाले हैं। तो मैं यहाँ से पोचंकी निकलता हूँ और बस अब देखते जाओ यार क्या ही सीन होते हैं। अब देखिए यार वैसे ही भैया एक टीम ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, उतने में भैया गाड़ी वाली टीम आती है और वो भी यहीं रुक जाती है और फिर मुझे एक बंदा दिखता है और ये बंदा गाड़ी वाली टीम का होता है। तो भैया मैं फटाफट पट्टी लगाता हूँ ताकि यार मेरे ऊपर रस हो तो मैं संभाल लूं, लेकिन तभी एक बंदे की फुटस्टेप आने लगती है। अब देखो यार तीन बंदों को निपटा दिए थे और मुझे लग रहा था कि भैया ये तीन ही है, तो यार मैं सोचता हूँ कि भैया अब गाड़ी वालों से लड़ना है, लेकिन यार तभी मुझे एक और बंदे की फुटस्टेप आने लगती है। और यार इस वन वर्सेस फोर क्लच के लिए एक लाइक तो बनता है, तो यार एक लाइक कर देना भाई लोग। अब देखो यार मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूँ, तो यार मुझे इतने टाइम लग रही थी भैया बहुत तेज बाथरूम और मुझे डर लग रहा था कि भैया अगर गाड़ी वाली टीम ने अब रस कर दी तो यार मैं अपने पेंट के साथ गला सीन कर बैठूंगा, काहे कि यार कंट्रोल से बाहर हो गई थी। तो यार मैं गाड़ी उठाता हूँ और भैया इस घर में जाता हूँ और फिर लघु शंका करके वापस भैया उस सकॉट को ढूंढने जाता हूँ। अब देखो यार वो सकॉट तो दिखती नहीं है, लेकिन फिर मुझे अचानक से एक बंदा दिख जाता है और देखो फिर ऐसे ओपन में गाड़ी रोक दी। अरे
जब मर मर के ही चलना था तो नाम जियो के रखा। तो यार इस भाई का शायद नेट धोखा दे देता है तो भैया ये हुई पे खड़ा रह जाता है। तो मेरे को लगता है कि यार इसकी टीम यहाँ पे होगी नहीं तो मैं निकलने लगता हूँ आगे। लेकिन तभी मुझे एक और बंदा दिखता है। आया हूँ बहुत दूर से, हो रहा है पसीना सामने से हर साला कमीना। तो यार लगे हाथ इस टीम की भी हम पेटी बना देते हैं। अब देखो यार भैया यहाँ से मैं लूट लाट करके इस पहाड़ी में जाता हूँ क्योंकि यार इस पहाड़ी में एक गाड़ी खड़ी होती है और भैया नीचे की तरफ भी गाड़ी खड़ी होती है लेकिन कोई बंदा यहाँ पे दिख नहीं रहा होता। पर उतना ही मुझे रोजोक में भी एक और गाड़ी दिखती है जो कि उड़ रही है भैया। तो मैं बोलता हूँ यार भैया 1.25 इंच का जोन भी आने वाला, समय होते हुए निकल ले जाए यहाँ से। तो हम आगे की तरफ जाते हैं लेकिन यार फिर ये सीन होता है। तो पीछे से कोई छल कपट करने की कोशिश करता है और भैया जब मैं गाड़ी मोड़ता हूँ तो देखता हूँ कि यार चार चार बंदे खुले से आ रहे हैं। इसका मतलब फुल जोश में चाचा लोग। तो देखो यार अब क्या होगा। ये नोबला कपड़ा किनके तरह खींच दे रहा था, टावर पे होगा एक, उस पे भी ओम है। अब देखिए यार उनके पास भी ये स्नाइपर होती है और वो चार रहते हैं, इसलिए मैं हिल हिल के मार रहा होता हूँ ताकि भैया मेरे मुंडी में गोलियां ना लगे क्योंकि यार मुझे गोली लगी तो सीधा पेटी भी बनेगी और लाइट भी जलेगी। अब देखो यार बड़ी मुश्किल में धोखे से हेडशॉट लगते हैं लेकिन यार भैया किल कन्फर्म नहीं कर पाता। तो मैं आगे जाता हूँ ये सोच के कि यार किल कन्फर्म कर लूँ लेकिन भैया फिर 1.25 इंच का जोन देख के पीछे मुड़ जाता हूँ क्योंकि यार इसके पहले वाले ही मैच में भैया 1.25 इंच के जोन से मुठभेड़ करते करते यार पेटी बन गई थी। तो मैं बोलता हूँ यार भैया इस मैच में जॉन से नहीं मरना चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए यार मैं जॉन के बाहर आ जाता हूँ। तो अर्ज किया है, मेरी मंजिल तू नहीं तेरी सहेली है, अब तू एक एनिमी नहीं एक पहेली है। तो यार मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि भैया अब वो जॉन में मरते हैं या जॉन के बाहर आ जाते हैं। तो भैया एक बंदे की तो जॉन में ही पेटी बन जाती है, किल फीड में देख चुका था, लेकिन उनका दूसरा बंदा भैया न जाने कितनी पट्टियां लिए रहता है, वो मर ही नहीं रहता। लगभग 4 मिनट हो चुके थे तो मेरे को लगने लगा भैया कि वो जॉन से निकल चुका है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो भैया आखिरकार चाचा भी दम तोड़ ही देते हैं। खैर उसके बाद यार मैं काफी देर तक बंदे ढूंढता हूँ लेकिन कोई भी मुझे मिलता नहीं है। पर जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तभी मुझे देखो क्या देखने को मिलता है। हाँ ये है, दो खड़ा है। हाँ दिखा दिखा। चिकन डिनर तो एक बहाना है, असली मकसद तो पबजी में सबको निपटाना है। तो यार देखो ये था एक छोटा मैच लेकिन भैया ये डालना जरूरी था मेरे को क्योंकि यार भूत को मारने वाला आपको सीन दिखाना था क्योंकि कल कमेंट में आप लोग यही कह रहे थे कि भैया भूत को मारो। तो यार देखो आप भूत को तो मार दिए लेकिन भैया भूत को मारने से किल कम मिलती है क्योंकि यार आधा टाइम वो खा जाता है। तो यार कल से भूत को नहीं मारेंगे क्योंकि भैया भूत और मासूम बीबी ये सिर्फ एक बहम है, ऐसा कुछ होता नहीं है यार।
और अगर मारेंगे भी तो भैया अलग से वो क्लिप डाल दिया करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में नहीं था, मिलते हैं और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।